राम राम जी, नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। रितु एंडर्स ब्लॉग मोर। भाई आप कैसे हैं सभी? अभी आया था भाई मजीन से और कहने लग रहा था शिवानी भाभी ने, रितु जी ने, माँ जी ने कहा लिया करो मेरे की तरह, ऐसे उदास उदास क्यों हो रहे हो आज? उदास क्यों हो? और चेहरे पर हंसी कहाँ गई आप सबकी? माँ की तो आ गई नुकंदे, चेहरे की हंसी आ गई, सोने लग रहे थे? दिन में इतना कौन सोया करा है? छक्के सोई है भाभी जी। राम राम। कैसे हैं? हंसते रहा करो हर बार। के को थे आपनु को थे सारी बार हंसेंगे तो के कहेंगे? पागल कहेंगे हैं? रितु जी, रितु का जमाए मूत्र रहे हमारी के बात है, पाछे तो पीटते हैं आपने। एक आधे दिन मक्का लगे एक आधे दिन मक्का लगे पीटन का ना तू दो रो। अच्छा रितु साची बता, भाभी जी मैं आपको नु क्या कहा था, अगर रितु जी का पीछे से ध्यान रखना ख्याल रखना रखे आपने? सुनती थी अभी के दोनों सुन लग रहे थे। ओहो तू और जा रहा था या सुनती थी? रितु का पिटन का मौका मेरा लग गया। अच्छा री मां देखे गणे तो नहीं मारे प्रीति नु दास क्या दौरी है उनके पीठ के बिठा रखी हो बैठिया नहीं मानुए खुश रहा अगरो जिंदा दिल रहा अगरो कुछ नहीं लेके जाना सब कुछ यही रह जाएगा क्यों जी भाभी जी? इसलिए भाभी की तरह मुस्कुराते रहा करो। तो भाई वो लोग कई दिन हो गए थे भाई अगमाल लेकर इकट्ठे होकर के, जैसे ओपनिंग होती क्लोज की ऐसे नहीं किया था, तो भाई आज इकट्ठे बैठ करके भाई अभी आया था जिनसे रितु से पूछा कि वो लोग बनाया आपने बड़ी सूत्री डालने करे? हाँ जी बनाया नहीं मैंने वो लोग है ना ठीक है ठीक है बढ़ाए देखिए बताओ ना बिल्कुल। ये देखो भाई आपको हम दिखाते हैं पहली बार गाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हुए। भाई देखो गाड़ी अलग चल रही है, अरे भाई बैठे आए मोटरसाइकिल अलग चलाने लग रहा है। ये देखो भाई इसको बोलते हैं तेल की बचत करना। अभी आए हैं भाई कैथल ते, और कौन सा काम है इंद्र? माड़ू काम है। चलो भाई अभी दो प्लेट बनवा ली है भाई यहाँ के बोले अगर भाई ने छोले कुलचे की प्लेट बनवा दी भाई। वाह भाई वाह, इंद्र ने लग रही थी भूख है वो ठीक है। वाह भाई वाह, इंद्र का आज भाई इतनी भूख लगी, इंद्र का सर में दर्द हो रहा है। इंद्र क्यों गया है भाई? कुछ नहीं भाई ठीक है। चलो भाई ने कर दिया पूरा मसाला मसूला तैयार। ये देखो भाई आलू उलू गिर रहे इसमें पूरे छोले छाले स्वादिष्ट बना दिए भाई। बात चंडीगढ़ तक जानी चाहिए ठीक है। क्या नाम आपका? पवन। पवन ठीक है भाई, ये बात चंडीगढ़ लग जाओगी तेरी ठीक है। अरे देखो भाई बरगद का पेड़ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या राम ठीक है? करो चलो। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और हमारे पास हमारे घर है अजय जी अंकल। आपका नाम क्या है? बेटे नाम आपने ही बता दिया, अजय जी अंकल। बहुत बढ़िया, देखो भाई शुरुआत देखो गुड़िया की बहुत अच्छी बोल रहा है और इनके नए व्लॉग में शुरुआत है ठीक है बेटे आगे बोलो। तो आप कहाँ से आए हो? मैं सड़क से। आपका विलेज कौन सा है? मेरा निडाणा गाँव बेटा। वहाँ से इधर आए आप हरियाणा में? हाँ हरियाणा में बेटा मेरा गांव भी। तो हमारे साथ है मेरी छोटी बहन मिष्टी। तो मिष्टी आपका पुनर्जन्म हुआ है? हाँ। आपके पापा का क्या नाम है? पापा का कौन से? पिछले जन्म वाले का? पिछले? हाँ पिछले जन्म वाले का सलमान। और आपकी बहन का? बहन का मोदी। भाई का? भाई का अजमान। और आपकी मम्मी का? समीना। और इनके भाई हैं हमारे साथ वेदांत। तो वेदांत आपका क्या नाम है? वेदांत। वेदांत होगा। और आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? और मिस्टी आप कौन से क्लास में हो? फर्स्ट। तो हमारे साथ है मिस्टी का बड़ा भाई शाश्वत। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम शाश्वत बोला है।
और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आर्य स्कूल, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ये जो तीनों भाई बहन हैं, ये पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और ये तीनों सगे तो नहीं हैं, पर सगे जैसे माने जाते हैं। आज बेटा, आज बहुत बढ़िया भाई, आज इस तरफ आज बेटा। सगे हैं? आपका आपका क्या नाम है बेटा? अदिति। चलो भाई, अदिति का रितु एंड एज व्लॉग में स्वागत है, और बहुत ही अच्छी एंकरिंग करी। देखो भाई, इस उम्र में कौन सी कक्षा पढ़ते बेटा? फोर्थ। फोर्थ में तो पत्रकार बनोगे बेटा? होगे डॉक्टर भी बनोगे, पत्रकार भी बनोगे, दो दो। चलो भाई, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस उम्र में इतना बोलना बगैर इसकी चाट के, काफ़ी मायने रखा है भाई, बहुत अच्छा लगा मैंने। मतलब पत्रकारिता की लाइन मैंने 9 साल हो गए, लेकिन मेरे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द अटक जाए, कोई ना कोई हिचकिचाहट हो जाए, लेकिन मन नहीं लगता इस गुड़िया का कोई भी शब्द अटक जाएगा, कोई हिचकिचाहट हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो भाई, रितु जी की उल्टी पढ़ने लग रही है, तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, सर चक्कर आने लग रहा है। कोई नहीं हो जाएगी, ठीक ठीक है। तो भाई, भाभी जी ने कर दी है तैयारी, आज हमारे सब्जी बनाएंगे भाई हम तोरी की। सुबह सुबह लगभग कै बजे मैं सो के भी कौन उठा था, उस टाइम पर तो तोरी ले ली थी आपने? 6:30 इतनी हिम्मत मारिया तोरी वाला नू बुक करें? गर्मी में शेर जागा अपनी। अच्छा, कित का था? मुजफ्फर का कोट। अच्छा, देख लो भाई, सुबह 6:45 दो सब्जी वाला जो ये तोरी है भाई, सुबह 6:45 दो तोरी वाला अपना काम करके जा लिया, यानी कि 6:45 उस टाइम तक मैं उठा नहीं था, लगभग 15 मिनट या मतलब लगभग 6:00 15 मिनट बाद उठा था मैं। तो उस टाइम पर मैंने नुबेरा नींदा में, मेरी माँ मनु बोल रही थी कारी तोरी ले लिया है ना, माँ नींदा में पूछा था, तो जो लगभग देख लो भाई, हिम्मत यह हुआ माँ, हिम्मत है नहीं सवेरे इतने वक्त उठ कर ना, मतलब अगला तोरी भी बेच कर साँझ का तोड़ कर लिया था कि वो भर गया था। हाँ, तड़के शेर शेर बेच गया था। बिल्कुल, चलो होना चाहिए भाई। रितु जी भी अपनी ड्यूटी निभा रही है, देखो भाभी जी अपनी ड्यूटी निभाने लग रही है, भाभी जी अभी सब्जी बनाओगी, माँ जी अपनी ड्यूटी निभाने लग रही है, पंखे गेला अपना बिजने गेला हवा कर रही है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, इतने इनकी वीडियो बनाने लग रहा हूँ, रितु जी अपनी ड्यूटी निभाने लग रही है, इसकी उल्टी पड़ने लग रही है, रितु भी अपनी ड्यूटी पर, वाह भाई। हाँ जी, रितु जी निभा रहे हो अपनी ड्यूटी आप भी, और मेरे नाम की आप उल्टी करोगे। चलो भाई, हंसी मजाक से मेरी माँ का छो उठिया, किस बात पे उठिया इतनी आनो बता। हाँ माँ, और कोई बात नहीं, दिखा रहे क्यों हो गया? नू आया करे जो मैं चाड़ा पाट रही हूँ। भाभी जी पूरी मुस्कुरा रही आज तो है? हाँ जी भाभी जी, क्या मिल गया, इतने खुश हो रहे हो आज? और हैं मरी केप केप आ गया, बताओ बताओ बताओ। अच्छा। तो भाई, तोरी के साथ साथ मैं सेब और चीर दिया रितु जी ने, ये देखो अभी तो सेब भी गिरेगी क्या सब्जी में? सेब की सब्जी बनाओगे क्या? भाभी जी सेब डालोगे क्या तोरी की सब्जी में? सेब तो आपके पेट में जाएंगे। मेरे का दर्जी लग रही है इतना, यह के लिए है। अच्छा, ये ले भाई, कई दिनों गए थे हमने, पूछ रहे थे दीक्षा कहाँ चले गई है, दीक्षा आज मिली है मुश्किल से, कहाँ चली गई थी दीक्षा? हैं? मामा के चली गई थी, कई दिन में आई है? 3-4 दिन। क्या करने के लिए जा रही थी? रक्षाबंधन। कैसा रहा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन? अच्छा। पक्का? हाँ। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। चलो, केसु कहाँ खो दिया? घर पे। अच्छा, चलो भाई हो गई है। क्यों लड़ने लग रहे हो बताओ? करो दोबारा, पकड़ भाई। अच्छा, नू खेलने लग रही थे के?
तोरी की सब्जी कौन किस किस ने पसंद है बताओ, कौन ही पसंद है तेने? बस तोरी कौन खा कर देता हूँ, घिया मछली और मछली दिल की रानी भी नहीं खाते और पनीर पनीर भी नहीं खाते, और क्या खाते हो और क्या सब्जी में कुछ तो खाते होगे? क्या दिन खाते सब्जी? अच्छा घिया तोरी छोड़ करना है। चलो भाई देखो भाई सही कहा तो खैर कई बच्चे घिया को नहीं खाते, सच्चाई है यार, लेकिन घी यार तोरी बेटे खानी चाहिए ठीक है। तुमने भी पसंद नहीं है घी अभी चीर ली गई इसमें तुमने मतलब तोरी घी भिंडी नहीं लगा रखी है पूंजड़ी लान लग रही रोटी गिर दो अनु का रोटी गिर दो भाभी जी चारे सब्जी खाई आपने बताइए माँ कड़ी कड़ी खाई नहीं? हाँ ये बात है। तेरी फेवरेट डिश क्या है? मैं क्या लेकिन ट्रू लेका छोटी छोरी का 4 साल की लड़की का उन्हें पुराना जन्म की याद आ रही है, पता उसकी फेवरेट डिश क्या थी? मछली। यकीन कौन तारा है? वीडियो दिखाऊंगा तब ना ठीक है। मछली खा कर दीवानु का राजी हो गया, मछली का बर्गर खाती हूँ मैं। क्या हो गया? हरी सब्जी तने बेरा हरी सब्जी जितनी सही हो नहीं वह सही हो अगर क्यों जी भाभी जी है नी कृषि मंत्री होंगी ना सब पहले घिया का बीज खत्म करूँ क्या थे सब्जी तो खर चलो भाई सब एक कन्फ्यूज हो जाए हम कई जने पूछा कर के बनाओ आज रोज छक लिया हम तो सब्जी तो कई जने ये डायलॉग हो आगे नहीं माँ कई जना डायलॉग आ रहे नहीं तू के बनाओ आज तो छक लिए हाँ घी आठा कर बना लिया है। चलो भाई तम भी एक बार कमेंट जरूर करना इस बात करने लेकर है भाई सब्जी ने लेकर है कौन कौन कन्फ्यूज हो आगरा नु का आगरा है कि भाई सब्जी तो हम तो छक लिए के बनावा हर रोज बदल बदल कर सब्जी बनानी फोन करके ना फिर भाभी जी मटर पनीर लिया दियो नहीं दिखा आपने माँ जी पूछ रही है जवाब दो अस्सी रुपया का कितना कितना माँ थोड़ा थोड़ा नहीं चलो क्या दिन रह गए अपनी भैंस ब्याह के चलो 3 भैंस भी आऊंगे यानी दो 10 तारीख करना है बाकी एक बज गई हैं एक 20 तारीख ना दे 10 मिनट चलो और दो 10 तारीख में हां दो तो कुत्ती भी आऊंगे रे हां एक ना ठीक है नहीं पक्की तो सब हो गई तारे क्या ब्यारी मैस मारे दो ब्यारी थे एक बेच दी एक बेच दी चलो ये भी एक दूध वाली है तीन भी आऊंगी तो दो तीन भी आऊंगी फिर कठी है तो भाई वीडियो की क्लोजिंग करने लग रही है सुबह सुबह का टाइम है माँ जी चाय लेने लग रही है पीली माँ चाय और ऐसे ही हंसते रहा करो भाई बिना मतलब भी ऐसे जाओ पागल हम पागल ही अच्छे है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दसी गिरानी तो लोग नुका कर दे पागल है मनोले बेला हमारे शरीर पर जो जख्म ये जख्म नहीं है फूलों के गुच्छे है अरे हम पागल ही अच्छे हैं तो पागल बन कभी रहा बार भाई गणेश तो टेंशन दिमाग को प्रबोझ और भाई जलन भावना कई तरीके की जो बीमारियां है वो आपको जकड़ लेगी लेकिन आप पागलपंथी में यदि हंसते रहेंगे तो आपको देख करके किसी और के चेहरे पर भी स्माइल आएगी। तो भाई
व्लॉग कैसा लगा, इतना सारा प्यार देते हैं और समय पर न डालने के लिए माफी चाहेंगे। अभी 8 बज के जो 4 मिनट पर डाल लिया करते उस पर नहीं आ रहा अभी, थोड़ा 5-10 दिन के लिए और माफी चाहेंगे। वो लोग तो जरूर आएंगे लेकिन आध घंटा एक घंटा इधर उधर हो सकता समय, और क्योंकि ग्राउंड मीडिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, रितुवंडे जब लोग के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने बार कहीं कहीं जाना पड़ा है भाई, कई कांड हो गया हरियाणा में एकदम, कभी किधर कभी किधर, तो इस वजह से सुबह निकला करो तो शाम ना आऊँ, तो इस वजह से जो रितु की जिम्मेदारी दे रखी है, रितु की थोड़ी तबीयत उसी रह जा है, तो इस वजह से वो लोग जो प्रॉपर है नहीं बन पाते। फिर भी आप सभी इतना सारा प्यार देते हैं, और क्या कहोगे माँ, कुछ कहना है? चलो भाई, हाँ चलो भाई, बिल्कुल चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम जी।